जेवर एयरपोर्ट का कार्य जिस रफ्तार से, जिस प्रगति के साथ चल रहा है, उसी रफ्तार के साथ उसके आसपास का एरिया भी उसी रफ्तार से डेवलप होना चाहिए। तो एक खास आप सभी के लिए, एक खास इस वीडियो में एक खास अपडेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट का स्टेटस। चाहे हम इसमें हम बड़े नामी बिल्डर जैसे कि ATS, गौर यमुना, सारा का सारा खास अपडेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट स्टेटस से रिलेटेड, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो प्लॉट हो, कितना मार्केट पे असर करेगा, बहुत बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए, खास अपडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर जोरदार स्वागत करते हैं आप सभी का। और जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हर खास अपडेशन इसी चैनल से मिली है और मिलती रहेगी। जनाब, ये जो गौतम बुद्ध नगर एरिया है, इधर क्या जितना भी एरिया है, अगर हम बात करें जेवर से लगा हुआ सारा का सारा एरिया, अगर उसमें कोई भी डेवलपमेंट तो चल रही है, लेकिन बसावट की बात करें तो वो देखने को नहीं मिलती है, जिसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, रजिस्ट्री हो जाती है और साथ में आने वाले वक्त में बसावट हो जाती है। तो एक खास अपडेशन ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, मात्र 60 और 100 दिन का। आपको ये बता दें, इस एक्शन प्लान को यमुना अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर चुकी है, जिसमें आपको ये बता दें, अगर हम उस एरिया की बात करें, यमुना अथॉरिटी के एरिया की, वहां पे बिल्डर्स ने लगभग 21,500 के आसपास लगभग फ्लैट्स और प्लॉट्स लगभग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बेचे हैं, और जिसका पोजीशन बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर हम बात करें मात्र जून की, जिसमें 1580 फ्लैट्स की जनाब आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। अगर हम बड़े बिल्डर्स की बात करें, जैसे सेक्टर 22D का प्रोजेक्ट ATS का, तो ATS का भी अगर हम बात करें, तो वहां के जो यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इश्यूएंस है, वो भी लगभग वहां पे 1150 फ्लैट्स के आसपास का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज होती है। इंसान उसके बाद अपना फ्लैट रजिस्टर करा सकता है, उसमें अपना रह सकता है। तो और आपको बता दे, अगर हम बड़े बिल्डर की बात करें, गौर की बात करें, तो वहां पे भी उधर के एरिया में लगभग 416 फ्लैट्स और लगभग 30 प्लॉट्स के आसपास उसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, उसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है। अब बात ये होती है कि जैसे ही ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट डे बाय डे इश्यू होते जाएंगे, बसावट आपको दिन पर दिन देखने को मिलेगी। कहने का ये मतलब, इसका सीधा का साधा इंपैक्ट मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जितनी बसावट, उतनी पब्लिक, उतनी मार्केट डेवलपमेंट, जितनी मार्केट डेवलपमेंट, उतना वहां पे आपको रेंट जो है, या हम कहें कि वहां का जो रहने का लाइफस्टाइल लोगों का होता है, वो डे बाय डे इंप्रूव और डेवलप होता जाता है। ऐसा ही आपको आने वाले वक्त में जेवर एक के एरिया में बहुत ही तेज रफ्तार में देखने को मिलेगा। खासकर अगर हम बात करें सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, इधर जितना भी ये एरिया लगा हुआ है, आपको देखिएगा आने वाला वक्त, जो आज का रेट है ऑलरेडी काफी ऊपर रेट चले गए हैं, और बहुत बेहतरीन ऊंचे स्तर पे रेट आपको दिन पर दिन बढ़ते हुए ऊपर के तादार पे देखते हुए दिखाई देंगे। आपको एक बात का और खास अपडेशन दे दें कि जो रजिस्ट्री की जो मान्यता होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रजिस्ट्री की जो वैल्यू होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, उस रजिस्ट्री के होने के कारण उसकी कीमत हमेशा ऊपर के स्तर पे रहती है। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर किसी मजबूरी से, भगवान ना करे, लेकिन किसी मजबूरी से अगर आप उसे सेल करते हैं, तो वो हमेशा कम के रेट पे जाती है। जो भी प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है, वो हमेशा ऊंचे स्तर पर देखने को मिलती है, और साथ में वो आप ही को नहीं, हर एक दूसरे इंसान को वहां पे अप्रोच करने के लिए, वहां पे खरीदने के लिए, मन ललचाने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि हमेशा हर एक इंसान साफ सुथरी जगह और साफ सुथरे
विदाउट एनी टेंशन ही कोई चीज में पैसा लगाने को हमेशा सोचता है, तो आपके लिए ये खास एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट का स्टेटस खासकर यमुना जेवर एरिया में, ये बहुत ही बेहतरीन अपडेशन है हम सभी के लिए। मैं जरूर आप सभी से को रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के पास भी प्रॉपर्टी है, अभी ज्यादा लालच में ना पड़े। अगर आप अभी फिलहाल आप निवेश कर चुके हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज को बने रहें, अभी रेट्स बहुत ऊपर के स्तर पर आपको आने वाले वक्त में बहुत जल्द शॉर्ट टर्म पीरियड में, जब ये एयरपोर्ट आपका फेज वन तैयार हो जाएगा, पहला रनवे बन जाएगा 2024 तक, आपको रेट बहुत ही बेहतरीन अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप निकालना चाहें तो उस समय पे निकाले, अभी तो आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है बस होल्ड करें। बहुत आपको लोग अप्रोच करेंगे कि रेट आज की डेट में ये आ गया है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने चीज निकाल दी और उसके बाद वही चीज आपको थोड़े समय बाद दुगने रेट पे आपको देखने को मिलेगी, तो आप उस वक्त उस चीज को या दूसरी किसी आसपास की चीज को खरीद भी नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का एक खास अपडेशन आप सभी के लिए है कि अभी बने रहें। हाँ, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो उनके लिए सुनहरा मौका जरूर है, क्योंकि आने वाला वक्त जो आज का रेट है वो आने वाले वक्त में आपको गलती से भी भूल के भी नहीं मिलेगा। ये अब एक प्रोग्रेसिव डेडिकेशन के साथ डे बाय डे आपको नए नए प्रोजेक्ट्स या नई नई खास अपडेशन जो मेरे इस चैनल पे मिलती आई है आपको मिलती रहेगी, लेकिन जो रेट्स हैं वो अब ऊपर के स्तर पे, मैं आपको पहले ही लास्ट वीडियोस में दे चुका हूँ, वो सिर्फ ऊपर के ही स्तर पे डे बाय डे एप्रिसिएशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ये सिर्फ डिमांड हमारे जेवर एरिया की या ग्रेटर नोएडा या नोएडा या दिल्ली एनसीआर की बात करें, सिर्फ यहाँ की नहीं, ये पूरे भारत देश की है, और हम देश की क्या बात करें, ऑल ओवर इंडिया से बाहर के लोग भी, चाहे वो NRI हो या कोई और हो, सब लोग यहाँ पे अपना पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये हकीकत है, पुराना वक्त भूल जाइए, आज के वक्त की बात करिए। आज का वक्त हर चीज प्रोग्रेसिव तरीके से चल रहा है और बेहतरीन कल के लिए मैं आप सभी के लिए दुआएं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट का आप सभी को लुभाएगा, और आप सबके जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है बहुत जल्द, उन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आने वाले वक्त में आप सभी के लिए रजिस्ट्री के साथ यहाँ पे बसावट के साथ मैं उम्मीद करूंगा हम सब इस खास अपडेशन को जरूर शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने चाहने वालों को जरूर पहुंचाएं। और चलिए अभी फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने चाहने वालों तक, चाहे ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी माध्यम से, वीडियो जरूर हेल्पफुल जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए, बस यही मेरा एक उद्देश्य है। चलिए मिलूंगा बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ, अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।